ओके यार, तो यार यो व्हाट्सअप का स्वागत है आपके कैसी धासुनिक्स वीडियो में। सो यार, पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको मेरे सामने जो घर है इसका रिव्यू करवाया था कि कैसा दिखता है ये, क्या है इस घर में। बट आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको अगर एक मतलब स्पॉनर मिल जाए तो फिर आप उससे कैसे एक फार्म बना सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको। अभी देखो, मैं क्रिएटिव हूँ तो फिर मैं आपको इजी पीजी बताने वाला हूँ। ये नहीं है कि मैं क्रिएटिव हूँ तो मैं ही बना सकता हूँ। जो क्रिएटिव है, जो सर्वाइवल में है, वो भी इसे बना सकते हैं अपने एक्सपी के लिए। एंड मैंने खुद ही SMP में बनाया हुआ है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको ना कहीं भी स्पॉनर ढूंढ लेना है। जैसे ये केव है एंड भाई बहुत ज़्यादा डीप केव है, लेकिन स्पॉनर तो भाई बहुत रेयर ही मिलता है। मतलब बहुत मुश्किल से ही यहाँ पर कहीं डीप होगा स्पॉनर। और अगर OMG ब्रो, भाई क्या क्या मजाक है ये, मेरे को डायमंड मिलते हैं। मतलब छोड़ो यार, डायमंड क्रिएटिव में बहुत मिलेंगे, इसको छोड़ो। तो आज मैं आपको बताने वाला था कि स्पॉनर कैसे, मतलब एक XP फार्म कैसे बनाते हैं अगर आपको एक स्पॉनर मिल जाए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं उसका। तो आपको जैसे स्पॉनर कहाँ ही मिलेगा, केव्स में, और केव में ही फिर बना लेते हैं उसे। अब देखो, यहाँ पर ना एक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह मेरे को मिली है एंड वो है ये वाली। और इस जगह को सबसे पहले तो प्लेन करना पड़ेगा। ओके भाई, सो फिर कुछ ऐसा आपको मिलने वाला है यहाँ पर ना। रुक जाओ भाई, स्पॉनर तो लेना भूल ही गया। अगर आपको स्पॉनर नहीं पता कैसे लेते हैं तो फिर आप देख लो। सबसे पहले आपको इधर जाना है, स्लैश लिखना है गिव, देन आपको डाल देना है अपना नाम एंड आपको डाल देना है स्पॉनर S ये आ जाएगा ऊपर स्पॉनर एंड बट कर देना है एंड आपके पास एक स्पॉनर आ जाएगा। यस, इतना इजी होता है स्पॉनर लेना। एंड देन आपको करना क्या है, आपको इधर ना एक ही स्पॉनर मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको ये एक दो तीन इतने इतने स्पॉनर मिल जाए, वो तो क्रिएटिव से ही आप ले सकते हो। एंड अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ना इसके नीचे डिग डाउन करना है। अभी जैसे मेरे को तो इतना पूरा एकदम ऐसे मिला है एरिया खुला हुआ, पर आपको करना पड़ेगा ये खुला जितना मैंने कर रखा है। एंड अब आपको यहाँ से नीचे डिग डाउन करना है। मैं थोड़ा सा पहले साइड की बाउंड्री बना देता हूँ कि यहाँ से पानी बाहर ना जाए। सो देखो, यहाँ पर एक दो तीन, मतलब दो ब्लॉक डिग डाउन कर दे रहे हैं। ऊपर भी दो का स्पेस है एंड नीचे भी दो का स्पेस है। और फिर मैं आपको डिग डाउन करके ही बताऊँ, कट हो जाएगा भाई, टेंशन नहीं है कोई। एंड भाई अब देखो, अब ये ऐसे डिग डाउन हो चुका है, पर इसकी हम एक और लेयर खोदने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई दो लेयर्स ही क्यों खोदी, पहले तीन खोद लेता, पर हाँ वो मेरी गलती है, ठीक है, उसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहूँगा। वो मैं पता नहीं क्यों नहीं खोदी, बट आपको ऐसे करना है। एंड ना ये सर्वाइवल में आप बना सकते हो, बस आपको एक स्पॉनर चाहिए। जैसे कि मैं एक सीड दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उधर आपको स्पॉनर मिल जाएगा। उसके कोऑर्डिनेट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। एंड अब देखो, यहाँ पर ना आपको ले लेनी है वाटर बकेट। ये आ गई वाटर बकेट, एक ब्लॉक चुनना है। जैसे ये है ना, इसके इधर भी इक्वल स्पेस होनी चाहिए, इधर भी इक्वल स्पेस होनी चाहिए। अब देखो गिनते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर स्पॉनर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात का ही है, ठीक है, मतलब ये हाँ इक्वल है। बीच बीच का ये वाला ब्लॉक है उसका, तो यहाँ पर हम स्पॉनर लगा, मतलब ऐसे आपको माइन करना है। लगा तो आप वैसे भी नहीं सकते, तो आपको माइन ऐसे करना है कि वो बीच में रहे, ठीक है। और अब इसके ये मैं तोड़ देता हूँ यहाँ पर पूरे पे, ये देख लो, ऐसे ऐसे पूरा एक लाइन से, एक लाइन पे तो पूरे ही डाल दो,
एंड देन उसकी सेकंड वाली लाइन ऐसे डाल दिया है। और अब यहाँ पर नाप के इसलिए इधर भी डाल दिया। अब देखो ये ना पूरा ऐसे हो जाएगा, पर हमें ऐसा करना नहीं है। तो हमें ना पूरी लाइंस पर डालना नहीं था, क्योंकि मैंने डाल दिया पता नहीं क्यों। एक स्पंज लगेगा मुझे, और ये रहा स्पंज। एंड मैं बता रहा था वैसे तो, पर ठीक है। अब देखो ये एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, और इसका ये जो मिडल है ना यहाँ पर, अब आपको ये छोड़ के देखो, जैसे मैं स्पंज छोड़ता हूँ तो ये घूम फिर के यहीं पे आएगा। अगर आपका यहाँ पर नहीं आता तो फिर भी दिक्कत हो जाती, तो फिर आप यहाँ पर डाल सकते थे यहाँ पर कॉर्नर्स में एकदम पानी। बस ये है कि इसको ना वो वाला एकदम सोर्स नहीं होने देना कि हाँ भाई हर जगह से पानी जा रहा है। आपको कुछ ऐसा करना है कि पूरे पानी का फ्लो जो हो ना वो ऐसे मिडल में हो, आप कहीं भी हो, आपके स्केलेटन वेलेटन वो यहीं पे आके गिरे ऐसे। तो यहाँ पर एक ब्लॉक टिक कर देंगे हम, एंड यहाँ पर लगाना क्या होता है। ओके मैंने गलती से स्पंज लगा दिया, कोई बात नहीं, हमें बस चार जगह ही पानी डालना है। यहाँ पर हमें एक साइन बोर्ड लगाना है, यहाँ पर आप वो लिखना है साइन, ये रहा ओ का साइन बोर्ड ले लो, किसी का भी ले लो। एंड ये डन, इसके ऊपर ये डन, ठीक है। अब आप इसके नीचे वाला तोड़ना था, नीचे वाला तो भाई यार ये पानी का ना, ओके भाई लग जा यार, ओके लग गया। तो कैसे टूट गए क्या, आ जा सोर्स ही नहीं आ रहा। इसको नीचे डिग डाउन कर देते हैं पहले, ये मैं काट दूंगा एडिटिंग में, पर ये बिल्कुल पानी सो को पहले से। ओके भाई तो आपको कुछ ऐसे लगा लेना है, आपको दो ट्रैप डोर लगेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने एक से करके देखा तो फिर वो नहीं हुआ। तो फिर आपको ऐसे दो ट्रैप डोर लगेंगे, एंड ये कुछ ऐसे हो जाएगा आपका। देन फिर आपको करना क्या है, एक दो तीन चार ले लो, ठीक है, इतने ब्लॉक्स का छोड़ना है। एंड हमारा एंट्रेंस देख लेते हैं, यहाँ पर है कुछ, तो फिर यहाँ से मुझे एटलीस्ट देख लो, मैं खुद जाके दिखा देता हूँ, ये लो ना साइन बोर्ड फेंक के दिखा देता हूँ मैं। देखो कहीं से भी आएंगे या नीचे गिरेंगे गड्ढे में, ठीक है, ये देख लो। मैं अगर इसको यहाँ से भी फेंकूँगा देन भी ये घूम के गड्ढे में गिरेगा, यहाँ पर भी फेंकूँगा कोने में देन भी ये उधर ही आएगा, मतलब आपका ये एकदम काम कर रहा है अच्छे से। एंड अब आपको ये जो स्पॉनर का करना है वो है कि यहाँ से इधर की तरफ माइन करनी है, एक दो तीन और इधर तक जितना हो सकता है मैं माइन कर देता हूँ। एंड ना अब यहाँ से एक एंट्रेंस दे देंगे, जैसे मैं बाहर आ चुका हूँ एंड मैंने ज़्यादा ही कर दिया, बट यहाँ पर आप एक एंट्रेंस दे दो, जैसे यहाँ पर एक स्पॉन्ज लगा, मतलब कुछ भी लगा दो, मतलब बस पता होना चाहिए कि हाँ भाई इधर एंट्रेंस है। मैं यहाँ पर ग्रास लगा देता हूँ, ये देख लो, ये कुछ ऐसे आपकी एंट्रेंस बन जाएगी। और अब अगर आपको इसे ऑटोमेटिक बनाना है विदाउट आप अपने सामान वामान वेस्ट करो, तो आपको करना क्या है, देखो इतने ब्लॉक्स का तो गैप है ही, आपको जस्ट एक नेदर में तो ऑफ कोर्स आप जा ही रखते होगे तभी आप ये सब बना रहे हो, नहीं गए तो एक बार चले जाना, नहीं तो कोई रियन पोर्टल ही ढूंढ लेना, उधर आपको ना एक ब्लॉक मिलता है, वो मैं एक बार बता देता हूँ, उस मैग्मा क्यूब मिलता है, मतलब सिंपल सिंपल सी बात है, मेरा मैग्मा क्यूब बोलते हैं ब्लॉक बोलते हैं इसे, मैग्मा ब्लॉक, ठीक है, मैग्मा ब्लॉक मिलता है। एंड वो आप ऐसे लगा देना एंड कुछ देन थोड़ा सा ग्लो कर देगा ये एरिया को। एंड अब करना क्या है आपको, ये जो है ना इस एरिया को पूरे को बंद कर देना है ना, इधर से स्क्रूज के ये रख लेता हूँ क्योंकि मेरे काम आते रहते हैं ये,
बूम 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 एंड ये कुछ ऐसे आपका बंद हो जाएगा, देन इधर अंदर ना पूरा डार्क में अंधेरा हो जाएगा। मैं आपको जाके दिखाता हूँ, ये देखोगे ना, ये देखो पूरा अंधेरा है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मॉब्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी स्पॉन होंगे, पर अभी तक इधर मॉब कोई स्पॉन नहीं हो रहा। देखो जैसे सपोज करो आपको स्केलेटन का ये स्पॉनर मिल गया, ठीक है, एक बार स्केलेटन का अंडा, ये रहा, ये स्केलेटन हॉर्स है ना यार, जॉम्बी निकलता है भाई, ये रहा जॉम्बी का अंडा। एंड आप तो ना ये जॉम्बी का स्पॉनर मिल गया, ये ऐसे जॉम्बी है, तो ऐसे ये जॉम्बी स्पॉन होते रहेंगे ऐसे, एंड ये अपने आप ही घुसते रहेंगे ऐसे। और फिर होगा ये, ये देखो ये वहाँ बाहर गया, ये देखो ये अपने आप मरेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ऐसे, बस आपको एक्सपी नहीं मिलेगी, आपको एक स्वॉर्ड या एक और अब आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे जो छुटकू वाले स्पॉन हो रहे हैं, तो आप बात तो सही है भाई, हो रहे हैं छुटकू वाले, उसके लिए आप इधर कुछ ट्रैप दौड़ लगा सकते हो ताकि वो बाहर ना निकल पाए। एंड मैंने अपना घर खुद ही तोड़ दिया, मतलब अपना बेस, एंड ये आप ऐसे लगा सकते हो। अब देखो जोम्बी वाला है ना यहाँ पर, अगर आप एक ट्रैप डोर लगा दोगे तो नहीं आएंगे, अगर आपके स्केलेटन वाला है देन तो बेस्ट है। मैं आपको एक सीट दे दूंगा उधर, आपको मैं आपको कोऑर्डिनेट्स भी दे दूंगा, एंड वहाँ पर आपको इजी बीजी एक स्केलेटन का स्पॉनर मिल जाएगा। अब मैं वो सीट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो वो मेरी SMP का सीट है, एंड दूसरी बात कि ऑफकोर्स उसके वो जो स्पॉनर है वो बहुत ज़्यादा पास है। एंड अब आपको आई थिंक सो समझ में आ ही गया होगा कि आप कैसे अपने लिए इन्फिनाइट XP गेन कर सकते हो बिना अपने आप को संकट में डाले, क्योंकि अगर आप वैसे जॉम्बी जॉम्बी से लड़ने जाओगे तो फिर ऑफकोर्स आपको मरने का खतरा रहता है, क्रीपर्स का खतरा रहता है। बट आप यहाँ पर अपने साथ वुल्फ्स या फिर कैट्स लेके जा सकते हो, जो आपके पास है सब कुछ लेके जा सकते हो, ताकि आपके ऊपर कोई भी स्क्रीपर या फिर कुछ भी हमला ना करे। सर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे कैसी दासों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जैसे कि लिखा हुआ है स्क्रीन पे, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और बाकी मैं सीट तो दे ही दूंगा। एंड एन्जॉय करना अपना ऐसा खुद का फार्म बना के, एंड बाय बाय।